हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे AFCAT की, मतलब एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि एयर फोर्स द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एयर फोर्स में एडमिशन के लिए, चाहे वो फ्लाइंग ब्रांच हो चाहे ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हो। तो इसके बारे में हम आपको देंगे फुल डिटेल इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको बताने क्या वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि AFCAT होता क्या है, उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ साथ आपका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम का सिलेबस कैसा होगा, और फिर हम बताएंगे आपको इंटरव्यू कौन लेता है और इंटरव्यू कैसे कैसे होता है। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे होगी, उसके बारे में आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले है हम जान लेते हैं कि AFCAT होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एयरफोर्स में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, जिसे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, जो कि एयरफोर्स द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ये जो कोर्स है, इसमें आपको कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एयरफोर्स की जो साइट है उस पर जाना है, वहां पे करियर इंडियन एयरफोर्स .cda.in पर या फिर AFCAT.cda.in पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो साल में दो बार आता है, एक बार जून में आता है और एक बार साल के जो एंड है दिसंबर उस समय आता है। इसके थ्रू आप दोनों टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल किसी भी ब्रांच में एज अ ऑफिसर आप जा सकते हैं। तो आप फ्लाइंग ऑफिसर जाएंगे, आपको आपने अगर फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, या फिर आपको नॉन फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो एज अ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के लिए ये टेस्ट होता है AFCAT, मतलब एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और अब हम जान लेते हैं इसमें एंट्री की स्कीम कैसी है। तो इसमें आपको दो तरह से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, एक तो AFCAT एंट्री कहलाती है और दूसरी NCC स्पेशल एंट्री कहलाती है। जो AFCAT जो एंट्री रहती है उसमें आपको फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। और फिर ग्राउंड ड्यूटी होता है टेक्निकल, टेक्निकल में जो परमानेंट कमीशन होता है वो मैन के लिए होता है, और मैन और वुमेन दोनों को शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी लिया जाता है। ऐसे ही ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स जो लिए जाते हैं वो नॉन टेक्निकल भी लिए जाते हैं, इसमें वापस मैन को परमानेंट कमीशन मिलता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैन और वुमेन दोनों को मिलता है। और फिर NCC स्पेशल एंट्री होती है जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए ही होती है, उसमें परमानेंट कमीशन मिलता है मैन को, शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है मैन और वुमेन दोनों को। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चार स्टेप में होता है, उसमें मेन स्टेप तो दो स्टेप के बारे में हम पहले तैयारी करते हैं। जो पहली तैयारी है हम रिटर्न एग्जाम की करते हैं, हमें सबसे पहले रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है जिसको AFCAT बोलते हैं। रिटर्न एग्जाम आपका क्लियर होता है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में, वहां पर आपका इंटरव्यू होता है। वहां जो इंटरव्यू भी दो स्टेप में होगा, उसके बारे में डिटेल हम इंफॉर्मेशन आगे देखेंगे। फिर जो तीसरा स्टेप है वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो चौथा स्टेप होता है उसमें मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है इन तीनों एग्जाम के बेस पे। तो मेनली जो हमारा सिलेक्शन होता है वो रिटर्न एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, और मेडिकल एग्जाम भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितने की ये दोनों एग्जाम होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिटी और एज की। तो इसमें सिर्फ इंडियन नेशनलिस्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्लियर है आपको, सिर्फ इंडियन लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एज के बारे में। अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है AFCAT के थ्रू और NCC स्पेशल एंट्री के थ्रू, तो आपकी एज 20 इयर्स से लेके 24 इयर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास करंट कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है जो कि DGCA इंडिया द्वारा दिया गया है, तो आपकी अपर एज 26 ईयर तक चल सकती है, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है कमर्शियल पायलट का।
और ऐसे ही ग्राउंड ड्यूटी में अगर हम देखें तो वहां पे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल किसी भी ब्रांच हो वहां पर एज है 20 to 26 years। अब है इसमें मेरिटल स्टेटस की बात। मेरिटल स्टेटस मतलब जो भी कैंडिडेट 25 साल से छोटा है वो अनमेरिड होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो भी होगा 25 साल से नीचे वो अनमेरिड ही होना चाहिए। और इसमें कंडीशन भी ये है कि इस ट्रेनिंग के दौरान आपने यहाँ पे एग्जाम दिया और जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती आप मैरिज भी नहीं कर सकते। अगर आप मैरिज करोगे तो पूरी ट्रेनिंग का खर्चा वो सब चीजें आपको देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को वापस। अब है क्राइटेरिया में देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। जो फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले 10+2 लेवल पे उसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए और उस फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। मतलब मैथ्स में भी 60% होने चाहिए और फिजिक्स में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया हो वो भी चलेगा, आपने बीई किया हो बीटेक किया हो वो भी चलेगा। और जिन्होंने एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट किया हो वो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। इन सभी में लेकिन सभी ग्रेजुएशन डिग्री में आपको 60% मार्क होने चाहिए। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है इसमें मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अलग अलग जो ब्रांच है कंप्यूटर है, उन सभी में भी आपको वापस कंडीशन है कि 60% मार्क्स आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होने चाहिए जब आपने 10+2 में 12th किया हो। और यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्निकल में इंजीनियर ही एलिजिबल, 4 साल का आपने कोर्स किया हो और फिर वापस वही सेक्शन ए और सेक्शन बी आपने किया हो कहाँ से, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपने किया हो, इन सभी ग्रेजुएशन में भी आपका कितना होना चाहिए, 60% मार्क्स होना ही चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात कर लेते हैं। इसमें जो ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक, तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे थे आपको ह्यूमन को भी मैनेज करना है और मटेरियल को भी मैनेज करना है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक है, अलग अलग दोनों ब्रांच है। उसमें आपको ह्यूमन को भी मैनेज करना है और मटेरियल को भी मैनेज करना है। साथ साथ में आपकी कई बार ऐसी ब्रांच में लग जाती है, आपको मिल जाती है जिसमें आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी हो जाएगा, जो फाइटर कंट्रोलर है उसमें भी आपको जा सकते हैं। इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसको 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, उसमें लेके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। अब है ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में किसका, एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आप पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने एमए किया हो एमएससी किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में मैथमेटिक्स में फिजिक्स में साइंस में केमिस्ट्री में आईटी में स्टैटिस्टिक्स में इंटरनेशनल स्टडीज में डिफेंस में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एमबीए किया हो आपने एमसीए किया हो, इन सभी में आपने पीजी किया हो और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए सारे पेपर में। और साथ ही साथ जो आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया है उसमें 60% मार्क्स चाहिए ही हैं। ऐसे ही आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है, अकाउंट्स में आपकी दिलचस्पी है तो आपने बीकॉम किया होना चाहिए जो कि 3 साल का कोर्स होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में अगर आपकी मटेरियोलॉजी ब्रांच में आप जाना चाहते हैं तो आपने किसी भी कोई भी साइंस ग्रेजुएट हो या फिर आपने कोई भी अंतरिक्ष विज्ञान या फिर आकाशीय विज्ञान इन सब में किसी से किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि आपने साइंस से किया हो, मैथमेटिक्स से किया हो, जियोग्राफी से किया हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन एनवायरमेंट जो भी एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी से किया हो, एनवायरमेंट से किया हो, तो इन सभी के लिए आप एलिजिबल हैं। और आपके क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए सभी पेपर में जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है जिस, लेकिन आपने वहां पर ग्रेजुएशन लेवल पर साइंस ली होनी चाहिए, उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए कहाँ पर, ग्रेजुएशन लेवल पर वहां आपके 55% मार्क्स दोनों में होना चाहिए, मैथ्स में और फिजिक्स। अब हम जान लेते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच में जो होता है उसमें आपके लिए एनसीसी की जो एयर विंग होती है सीनियर डिवीजन में उसमें सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए
और बाकी क्वालिफिकेशन सेम होती है। आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स चाहिए, और ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से, और उसमें भी आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपने बी या बी टेक किया हो तो भी आप एलिजिबल हो, उसमें भी 60% मार्क्स चाहिए, उसने ए और बी सेक्शन क्लियर किए हो, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया से या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपने पास किया हो, लेकिन आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे, और 10+2 लेवल पे मैथ्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स चाहिए। अब फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत मायने रखता है। तो फिजिकली फिट होना ही चाहिए और मेडिकल फिट भी होना चाहिए। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका AFCME में होगा, मतलब एयरफोर्स सेंटर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन में, न्यू दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में आपका एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा। वहां पे आपके चेक किया जाएगा पूरा, चाहे आप मैन हो चाहे वुमेन हो, आपको मेडिकली पूरा टेस्ट किया जाएगा। और वुमेन के लिए फैसिलिटी रहेगी कि वहां पर कोशिश रहेगी कोई गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिर फीमेल मेडिकल ऑफिसर हो, नहीं होगा तो कोई भी जो ऑफिसर रहेगी वहां पे, एक उस वो लेडी रहेगी, उसकी प्रेजेंस में ही आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। और अब हम जान लेते हैं हाइट और वेट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, तो फ्लाइंग ब्रांच की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, कोई भी कैंडिडेट हो, इसमें आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपकी लेग की लेंथ है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर होना चाहिए, और थाई की लेंथ है वो मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सिटिंग हाइट है जब आप बैठते हो तब आपकी मिनिमम हाइट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंसेशन नहीं है, आपकी एज चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे आप किसी भी सेक्स के हो, चाहे आप किसी भी रीजन में, मतलब किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, हाइट में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स की, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, उसमें आपकी मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी चलेगी। और जो हिली रीजन है उनके लिए इसमें कंसेशन भी है, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए, फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए कोई कंसेशन नहीं। अब हम जान लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड। जो विजुअल स्टैंडर्ड है उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। फ्लाइंग ब्रांच में सिर्फ वो लोग तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है जो हैबिचुअल है स्पेक्स पहनने के, चश्मा पहनने की, जिनको आदत है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और विजुअल जो आपका है वो 6x6 होना चाहिए एक आंख में, और दूसरी आंख में अगर 6x9 भी है तो चलेगा, अगर वो करेक्टेड 6x6 का है तो। और आपको जो कलर विजन का स्टैंडर्ड है वो CP1 रहेगा, जो कि सबसे एक नंबर का होता है, और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से देख लें, और स्टेप बाय स्टेप जो स्टैंडर्ड इसमें दिए गए हैं उन सब में हम फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। और जो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, उसमें भी आपका जो विजुअल विजन है वो 6x6 से लेकर 6x18 तक चलता है, अगर वो करेक्टेड होता है उसके बाद। और उसमें जो कलर विजन है वो CP1 से लेकर CP3 तक चलता है वो अकॉर्डिंगली ब्रांच। तो आप वापस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें, और किस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें चेक कर लें आप विजुअली आप फिट हो कि नहीं। और अब हमें इसके लिए अप्लाई करना है तो कैसे करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एग्जाम आपको डायरेक्ट एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन भी आपको कहाँ से कहाँ पर आता है, जो कैरियर इंडियन एयरफोर्स CDA.in पर या फिर AFCAT.CDA.in पर, इस पे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है, और इस पर ही क्या होता है आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और ऑनलाइन टेस्ट भी यहीं पर होता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई कॉपी पेन पर रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। तो ये टेस्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। ये टेस्ट 2 दिन में होता है क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, Day 1 और Day 2। इसमें भी 2 शिफ्ट में होते हैं, एक AFCAT के लिए होता है, और जो लोग टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से एग्जाम होता है EKT, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। तो जिनको टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी में जाना है वो ध्यान से वहां पर अप्लाई कर दें कि उनको
ईकेटी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो डे वन और डे टू में एग्जाम होता है आपका, तो डे वन में दो शिफ्ट में एग्जाम होगा, सुबह 8 बजे से लेके 11:45 तक, फिर बाद में 12:30 से लेके 17:15 तक। तो लेकिन इसमें आपको जो टेस्ट देना है, एक्चुअल टेस्ट जो आपका, वो 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा दोनों में। बाकी टाइम आपको वहां पर जो फॉर्मेलिटीज है उनके लिए वो टाइम मिलता है, वो अलग से एक 45 मिनट मिलते हैं ईकेटी के लिए, जिनको ईकेटी का टेस्ट देना है। अब हम एग्जामिनेशन कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसमें हम इसका हमें क्या क्या नंबर मिले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो एग्जाम होंगे AFCAT और EKT, ये सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे आपको, में और भी दूसरी किसी लैंग्वेज में एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में होंगे दोनों पेपर, AFCAT और EKT। आपको नंबर कैसे मिलेंगे, आपने जो भी राइट क्वेश्चन किया उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, और जो आप अन अटेम्प्ट क्वेश्चन रहेंगे उसमें ना तो आपको नंबर मिलेगा ना उसमें से कोई काटा जाएगा। और इसमें मेन ख्याल रखने वाली चीज ये है कि जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, वो एयरफोर्स खुद तय करती है कि हमारा कट ऑफ मार्क्स कितना है इस साल का। अब हम मेन बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक दो टाइप के एग्जाम होंगे, जिनको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल में जाना है, उनको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा जो कि AFCAT का पेपर है। और इसमें आता क्या है, इसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, किसमें, AFCAT में, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपको 300 नंबर मिलेंगे, मतलब 300 मार्क्स के लिए आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में। और अगर आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाह रहे हो तो आपको ईकेटी का एग्जाम भी एक देना पड़ेगा, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस रहेगा, मैकेनिकल रहेगा, इलेक्ट्रिकल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। आपको इसके लिए 150 नंबर मिलेंगे और 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब हम डिटेल सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम AFCAT में जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रहेंशन आएंगे, एरर डिटेक्शन आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, करेक्शन आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, वोकैबुलरी टेस्ट किया जाएगा, इडियम्स आएंगे, फ्रेज आएंगे, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, और इनका स्टैंडर्ड क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड होगा। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा उसमें हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी, सिविक्स आएगी, पॉलिटिक्स आएगा, करंट अफेयर्स आएंगे, इन्वायरमेंट आएगा, बेसिक साइंस आएगी, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्ट से, कल्चर से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनका स्टैंडर्ड भी ग्रेजुएशन लेवल का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसमें आपको डेसिमल फ्रैक्शन आएंगे, टाइम एंड वर्क्स का आएगा, एवरेज का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा, परसेंटेज का आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, उसमें ट्रेन, बोट्स और स्टीमर्स, स्ट्रीम्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इनका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन लेवल का नहीं होकर आपका मैट्रिक लेवल होगा, 10th का लेवल होगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सभी में लिया जाता है, और उसके बाद रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें वर्बल स्किल के साथ साथ स्पेशल एबिलिटी ये टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। अब जो लोग ईकेटी देने चाहते हैं, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, उसके लिए अलग से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इंजीनियरिंग से के सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं, सिर्फ फंडामेंटल इंजीनियरिंग का आएगा। फंडामेंटल इंजीनियरिंग में जैसे कि आपने मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सभी ब्रांच के लिए। और स्पेशल आपकी जो ब्रांचेस है, कंप्यूटर से हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक का है, मैकेनिकल का है, तो आपको जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच के स्पेशलाइज क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ में अलाइड ब्रांच के, उस जैसी दूसरी ब्रांच के भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। तो उसके लिए करना क्या, आपको जो नोटिफिकेशन निकलेगा इसका, या पुराना नोटिफिकेशन है उसको आप देख लें, और उसमें आपके सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जाएगा उसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। तो नोटिफिकेशन को भी ध्यान से पढ़ें, और अपने सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में वहां पे आपको दिया रहेगा कि आपके स्पेशल ब्रांच में कौन सा टॉपिक आएगा, एलाइड ब्रांच में कौन सा टॉपिक आएगा, और उन सबको वहां से देख के बहुत अच्छे से तैयारी करें। अब अगर आपका सिलेक्शन हो गया है रिटर्न एग्जाम में, तो अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा।
एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू के बुलाता है, जो लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं कैंडिडेट, वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। चार सेंटर होते हैं उसमें से। तो ये जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें भी सिलेक्शन के मेनली दो स्टेप होते हैं सभी के लिए, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए एक तीसरा स्टेप अलग से होता है। तो ये जो एग्जाम है, इसमें आपको स्टेज वन का एग्जाम होगा, वहां पे आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, और पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, जो कि लगभग सभी इंटरव्यू में होता है। और इसमें वापस सेम कंडीशन होती है कि अगर आप स्टेज वन क्लियर करोगे तभी आप स्टेज टू में जा पाओगे इंटरव्यू की। तो स्टेज वन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। तो इस ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको वापस रीजनिंग के क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे जाएंगे। 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए 10-15 मिनट का टाइम आपको मिलता है, वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिससे आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाती है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। अब छोटी सी पिक्चर आपको दी जाएगी, उस पिक्चर के की आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, जो कि एक ब्लर पिक्चर हो सकती है, ग्रेश पिक्चर हो सकती है। उसमें आपको उसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, उसकी एज क्या है, सब चीज के बारे में डिटेल बतानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा कि उसका मूड कैसा है, क्या है, ये सारी चीज डिस्क्रिप्शन होगा, और उसके ऊपर जीडी होगा। इस सब के बाद ही आपको एक फिर एक लिस्ट बनेगी फाइनल की, जो लोग इसमें स्टेज वन में क्लियर होंगे वो लोग कहाँ जाएंगे, स्टेज टू के लिए जाएंगे, और जो लोग स्टेज वन क्लियर नहीं करते हैं उनको वापस स्टेज वन से ही घर भेज दिया जाएगा। और जो स्टेज वन क्लियर कर लिया है वो स्टेज टू में आएंगे। स्टेज टू में आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट, ऑफिसर टास्क होगा, और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। और उन सबको क्लियर करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक किए जाएंगे, और उसमें क्लियर हो जाओगे तभी आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से स्पेशल टेस्ट होता है, जो कि कंप्यूटराइज पायलट सिस्टम्स होता है। इस कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम में आपको पास होना जरूरी है अगर आप पायलट बनना चाहते हो, फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो। लेकिन जो कैंडिडेट पहले इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने पायलट की ट्रेनिंग के दौरान फेल हो चुके हैं, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ये मतलब लाइफ टाइम में आपका एक ही बार टेस्ट होगा। अगर आप इसमें कभी भी फेल हुए हैं, तो आप दोबारा फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए इस टेस्ट की बहुत अहमियत है, इसको बहुत अच्छे से दें और इसकी प्रिपरेशन दिन मेंटली करके रखें। अगर अब आपका सिलेक्शन हो गया रिटर्न एग्जाम में, उसके बाद इंटरव्यू में भी आप सिलेक्ट हो गए, तो उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट मिलेगी। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फिर से एयरफोर्स अपने आप तय करेगा कि इतने मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, उसके बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अब आपको क्वेश्चन आएगा कि अब हमें परमानेंट कमीशन मिलेगा कि हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने रिटर्न टेस्ट आपका कैसा रहा, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कितने आपने अच्छे से टेस्ट दिया है उसके ऊपर। इन सभी प्रोसेस में फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जो ट्रेनिंग तभी होगी जब आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में आप पूरे फिट हो जाएंगे। आपका पहले इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम में क्लियर होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी पास होना उतना ही मायने रखता है जितना कि आपने रिटर्न एग्जाम पास किया और इंटरव्यू एग्जाम पास किया। तो सबसे पहले आपको ये सलाह है कि आप जब भी नोटिफिकेशन लगता है, उसमें जो मेडिकल क्राइटेरिया दिए रहते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप 2 बार 3 बार पढ़ लें। और आपको कंफ्यूजन है कि कहीं मैं इसमें अनफिट तो नहीं हो रहा हूँ, तो अपना चाहो तो आप मेडिकली पहले अपना चेकअप भी करा लें। अब आती है ट्रेनिंग की बात। जो ट्रेनिंग है, जो फ्लाइंग ड्यूटी है, या फिर टेक्निकल है, जो ग्राउंड ड्यूटी में, उन सबको 74 वीक की ट्रेनिंग मिलती है। और अगर नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है, तो आपको 52 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें फिजिकल कंडीशन से मैंने बताया, मेडिकल फिजिकली आप फिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग में आपको क्या क्या दिया जाएगा, रनिंग रहेगी, स्विमिंग रहेगी, साथ ही साथ आपको रोप क्लाइंबिंग रहेगा, और बहुत सारी फिजिकल ट्रेनिंग अलग अलग कंडीशन में आपको दी जाएंगी। तो आपको फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी फिजिकली आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मेडिकली आप अच्छे फिट होगे, तभी आप फाइनली इसमें सिलेक्ट हो पाओगे। और एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन हो गया, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अब आपको किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। आप
कि एक बार एडमिशन ले लिया आपने, फाइनली सिलेक्शन हो गया आपको, फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए अलग से अप्लाई नहीं कर पाओगे, कोई भी इंटरव्यू नहीं दे पाओगे एक बार फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। और फिर वहां पर आपको विड्रॉवल भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं हमने आप जितनी मैक्सिमम डिटेल है वो यहाँ पर आपको बताई, लेकिन आपसे फिर एक अनुरोध है कि आप हर चीज को पहले नोटिफिकेशन में पढ़ें और हर चीज को आप चेक करें कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो, और हम अपनी तरफ से सब चीज आपको सही बताने की कोशिश करी हो। फिर भी आपको यह अनुरोध है कि आप नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसको फॉलो करें। और भी आप कोई डिटेल चाहते हो इसके बारे में तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको सब डिटेल देने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।